नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, ये सवाल और पूछा जा रहा है। इस सवाल पर और बातचीत हो रही है। इस सवाल की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में है, जब प्रशांत किशोर ने यह दावा कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकल्प खुला रखा है बीजेपी के साथ जाने का, और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं, इसीलिए उनको रिजर्व रखा है। इसीलिए जेडीयू बीजेपी की जब दोस्ती टूटी तब भी उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। अब इस दावे पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह कहा है, नीतीश कुमार को तो अब अपने साथ कभी नहीं रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बयान आ रहा है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पीएम बनने की अभिलाषा में नीतीश बिहार में कानून व्यवस्था को चौपट कर चुके हैं। बिहार के अफसरों की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। कोई भी आम आदमी किसी का नाम लेकर फोन कर देता है। और संजय जायसवाल ने यह भी मांग की है कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। और संजय जायसवाल ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कभी किसी भी परिस्थिति में हम नहीं रखेंगे। तो नीतीश कुमार का साथ बीजेपी कभी नहीं देगी, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कभी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कह चुके हैं वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बहस छेड़ दी। प्रशांत किशोर ने अपने बयान से बिहार की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी अपने दावे से, और जिक्र आ गया राज्यसभा के उपसभापति और नीतीश कुमार के करीबी सांसद हरिवंश का, जिनके बारे में ये दावा किया प्रशांत किशोर ने कि उनको रिजर्व रखा है, जब चाहे उनके जरिए बीजेपी से वो डील करें, बातचीत करें और फिर वो बीजेपी के साथ चले जाएं। तो बिहार की राजनीति में काफ़ी गर्माहट है, बिहार की राजनीति में काफ़ी गहमागहमी है, और प्रशांत किशोर चाहे जो दावा करें लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम नीतीश कुमार को अपने साथ कभी नहीं रखेंगे। नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है, और नीतीश कुमार खुद भी कह चुके हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो देखिए, इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की राजनीति की गर्माहट लगातार बनी हुई है, उपचुनाव भी हो रहा है और इस गर्माहट को और गर्माहट दे दिया है इस उपचुनाव ने। लेकिन प्रशांत किशोर जो लगातार जन सुराज यात्रा पर हैं, अपनी यात्रा के दौरान वो लगातार बड़े बयान दे रहे हैं, और उन बयानों से राजनीति की तपिश और बढ़ रही है। बहुत बहुत